और अभी आपको बताएं कि जिंदा दिलों के शहर लाहौर में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। उम्मीदवारों की जानिब से घर घर जाकर वोट मांगे जा रहे हैं। वोटर्स भी अपनी अपनी पसंदीदा जमातों की जीत के लिए काफी पुरुमी दिखाई दे रहे हैं। लाहौर से मलिक मुश्ताक की रिपोर्ट देखते हैं। इंतखाबात जूं जूं करीब आ रहे हैं तो तू सियासी पारा आसमान पर पहुंच रहा है। लाहौर में भी सियासी सरगर्मियां अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी हैं। NA 128 में हर उम्मीदवार मध्य मुकाबिल उम्मीदवार को इंतखाबी अखाड़े में चारों शाने चित करने के लिए पुरुमीद दिखाई दे रहा है। कहीं कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं तो कहीं रूठे हुए वोटर्स को मनाया जा रहा है। ना काम कराए ने या देखो और ही लाइन बनाई और होना सा सड़का का जाल हो जाया। 300 अरब नु रोंदे पे ने 800 अरब जरा उत्ते चढ़ गया डॉलर रेडी उत्ते चला गया कि ने पूरा करना है। नू लीग ने स्वास्थ्य वोट नहीं देने के गंदा पानी पी रहे सारे इलाके टूटिया। खवातीन भी सियासी सरगर्मियों में किसी से पीछे दिखाई नहीं दे रही। अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। शेर नहीं डालना है वोट क्योंकि वो ना ना जुलम होया होना है चंगे काम ही तो किते ने ना। सियासी जमातों के उम्मीदवारों के साथ साथ आजाद उम्मीदवार भी अपनी अपनी जीत के ख्वाब देख रहे हैं। शहर लाहौर के हलका NA 128 में भी मुकाबला कांटे का देखने में आ रहा है। जीत का ताज किसके सर होगा इसका फैसला तो 25 जुलाई को ही होगा। कैमरामैन शाहरुख खान के साथ मलिक मुश्ताक 7 न्यूज लाहौर।